सीजन है तू आते हो
कुछ भी कहने से रजन साजन साजन जीवन अपना सारा सनम हो जीवन अपना सारा सनम प्यार हो गया गुलाबी आँखें जो तेरी देखी सुनाई दे रही है तो मैं तो ये नहीं कह सकती, लेकिन जो आने वाली है जो जोड़ी है ना इनको ये जो आपने ताली बजाई है तो मजा नहीं है, मजा तो मुझे खुद नहीं आया, उनको पता नहीं कितना मजा आएगा। लेकिन जब तक वो यहाँ पे आएंगे तब तक आप अपने अपने गाने रेडी रख लीजिएगा, आप गूगल कीजिए, आप यूट्यूब कीजिए, कुछ भी सोर्सेज ऑफ मीडिया यूज कर सकते हैं, सारे के सारे गाने जितने भी गाने होंगे दैट्स गोना बी सेलिब्रेशन रिलेटेड, मतलब शादी रिलेटेड। अब इसमें ट्विस्ट क्या होगा ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, तब तक स्टे एक्साइटेड। थोड़ा सा जो एक्साइटमेंट नहीं है, जो जोश है आपके अंदर, आपके चेहरों से वो झलक रही है, वो थोड़ा सा थामो, थोड़ा सा हिम्मत रखो। आई गेट बैक टू यू लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो वेरी मच। लड़के कह रहे हैं सिर्फ लड़कियां ही मेहंदी लगा रहे, लड़के नहीं मेहंदी लगाते, ऐसे कुछ है क्या कि लड़के मेहंदी नहीं लगाते? हमारे तरफ तो लड़के भी मेहंदी लगाते हैं। सर आप सिर्फ महिलाओं को मेहंदी लगाते हैं क्या? नहीं, सभी को लगाते हैं। देखिए भाई हमारे आर्टिस्ट तो हर किसी को मेहंदी लगा, बच्चे बूढ़े जवान कोई भी हो। अरे बच्चे को भी भेज दो, बच्चे को भी भेज दो, उनके पापा को भी भेज दो, उनके नाना जी को भी भेज दो, किसी को भी भेजो, हमारे आर्टिस्ट तैयार है। सर कोई पनिशमेंट है घर पे? मैम ने बोल के भेजा था कि आप मेहंदी नहीं लगाएंगे, ऐसे कुछ है? मैं तो दोनों अभी सब लोगों को लगा रहे मेहंदी, मतलब लाइन लगी है आप लोगों की।
लड़की बच्चे सोच के बोल रहे हैं हैशटैग होता क्या है। आजकल के बच्चे इतने मासूम। हाय रब्बा, एक बार इन दोनों के लिए फिर से जोरदार तालियां हो जाए। कमाल लेडीज एंड जेंटलमैन, आज शाम ना तालियों की गूंज। आप में से कितने लोगों को सीटी मारनी है? देखो सीटी मार कर दिखाओ, देखते हैं। ओए होए, इस सीटी में कितने लोगों को पटाया सर, ये भी बता दीजिए। महफिल आप ही के लिए सची है। वेल वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस आप दोनों को। मैं चाहती हूं आप दोनों थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं। शायद फोटोग्राफर भी बाद में मना लेंगे अपने फोटोग्राफर को। सर वो स्पेशल गेस्ट है, उनको रहने दो। हाँ, ही सेइंग यू गो एवरीवेयर। वेल फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस रजनी एंड रवि, बोथ ऑफ यू कंग्रेचुलेशंस। इससे पहले कि मैं आप दोनों को आप लोगों के बीच उनके हवाले करूं, हाउ इज द फीलिंग? एग्जाइटेड टू बी ऑनेस्ट इज वेरी एग्जाइटेड। और सर आपका क्या हाल है? हाल बेहाल है? ठीक है, फीलिंग सुपर डुपर। फीलिंग सुपर डुपर, बाद में बेहाल होगा तो बेचारे छिपा रहे हैं। चलिए कोई ना, मेरे ना कुछ चंद प्रश्न हैं। देखिए इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। ये जो सवाल आए आपके, जो इधर लोग हैं ना, इधर जो खड़े हैं कैमरा लेके, इन लोगों की तरफ से हुआ। आज दोपहर में जब इनसे बात हुई तो ये कुछ इन्होंने कहा कि सपना ये कुछ क्वेश्चन है जो आप इन दोनों से जरूर पूछिएगा। आई एम हियर ओनली टू एग्जीक्यूट। Yes, जय जवान जय किसान। कमिंग बैक आप दोनों के लिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं और ये रैपिड फायर होगा। मैं चाहती हूँ कि आप दोनों थोड़ा सा दो कदम आगे आए, ई फ्रेम हो के ना सर, परफेक्ट। मैं चाहती हूँ कि घर वाले भी इसमें भाग लें, देखते हैं आप लोग इन दोनों को कितना अच्छे से जानते हो, क्योंकि मिलनी तो आपने की है, कुंडली तो आपने बनाया है ना, तो देखते हैं आप सब इनको कितने अच्छे से जानते हैं। माई फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज गोइंग टू बी अ सुपर डुपर रैपिड फायर राउंड। सोचने का मौका नहीं मिलेगा, देखते हैं आप दोनों कितने अच्छे से एक दूसरे को जानते हो। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज टू यू मिस्टर। एक काम करो, मेरा काम भी आप ही कर लो। ओके रवि, माय फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट्स रजनीज फेवरेट कलर? ब्लू। राइट आंसर? या सच में सच बस मिलाए जा रहे? सही आंसर है, सही जवाब। अरे वाह, आपको मिलता है 1 point। सेम क्वेश्चन टू रजनी, व्हाट्स रवि'स फेवरेट कलर? ब्लू। ये ऐसे तो नहीं कि आप जो बोलो हम भी उसमें हाँ में हाँ मिलाते जाएंगे ताकि किसी को पता ही ना चले, ये सच बात है? वन ऑफ माय। कितने लोग इसको मानोगे कि ये सही जवाब था? मम्मी जी बताओ। ग्रीन कलर, ग्रीन कलर। वाह भाई वाह, मानना पड़ेगा। हु इज ए गुड कुक अमिथ यू बोथ? आप दोनों में से खाना कौन अच्छा बनाता है? शी हैज कुक फॉर मी, इट्स वेरी गुड। आई हैव नॉट एट स्टिल सर। अभी तक नॉट एट सर, मौका मिलेगा आगे जाके? यस ऑफ कोर्स। मम्मी जी मानते हो इस बात को? हैं जी, मम्मी कहाँ है मैं पता नहीं, मांगे मैं तो छुप रही, मैंने तो कोई नहीं जवाब। आप दोनों में से सबसे ज्यादा गुस्सा किसको आता है? डेफिनेटली मी। इसीलिए मैंने पक्ष भी बदल लिया क्योंकि ये यहीं से आने वाला है। ये सच बात है? सही बात है।
अगर जब आप गुस्सा करते हैं तो मनाता कौन है, सॉरी कौन पहले बोलता है? दोनों भी। जीजू भी आए हैं। जीजू की साली थोड़ा इधर तो आओ। वो कहते ना साली आधी घरवाली। देखो जीजू को अभी अभी से ही बहना देख लीजिए, अभी से ही पक्ष बदल दिया बहन ने। बोलती है ले जाओ इस मुसीबत को, उसको नहीं उसको ले। वो तो बेचारा वैसे ही चला गया। लास्ट क्वेश्चन, मैं ज्यादा परेशान नहीं करूंगी। आप दोनों में से शादी को लेके सबसे ज्यादा एक्साइटेड कौन है? वो तो फर्जी। दोनों दोनों इन दोनों से ज्यादा तो बच्चे ज्यादा एक्साइटेड लग रहे हैं। थैंक यू सो मच राजवी, आप दोनों को कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। और इसके तुरंत बाद मैं आप दोनों को या तो आप यहीं पे आसन ग्रहण कर लीजिए या फिर अपने लोगों के बीच में। दिस इज ऑल योर्स। एक बार राजवी के लिए जोरदार तालियां हो जाए इन दोनों के लिए। कम ऑन लेडीज एंड जेंटलमैन। ये हुई ना बात, थोड़ा एक्साइटमेंट रखिएगा क्योंकि शाम होने वाला है जश्न। महफिल तो सजी चुकी है और जब मुझे पता चला कि ये परिवार यहाँ पे जो एकत्रित हुआ है, हमारा जो वैष्णव परिवार है बहुत ही फन लविंग परिवार, ये मैंने सुना है। आप ये भी कह सकते हैं कितना झूठ है कितना सच, ये तो आज शाम पता चलेगा। इससे पहले कि मैं शुरुआत करूं, चलो सब लोग हाथ ऊपर करके बोलिए राधे राधे। दोनों हाथ ऊपर, प्रभु ऐसे नहीं होता, हमने कहा ऐसे। दोनों हाथ ऊपर कीजिए, बोलिए राधे राधे। शुरू करते हैं लाल का नाम लेके, और मैंने कुछ लिखा है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो तालियां बजाना, अगर ना पसंद आए तो जोरदार तालियां आनी चाहिए अब सबके तरफ से। ये रहा, वाह वाह जरूर कीजिएगा। जब भीड़ इकट्ठी होती है तब उसे जुलूस कहते हैं। एक बार और, जब भीड़ इकट्ठी होती है तब उसे जुलूस कहते हैं, लेकिन जब हमारा वैष्णव परिवार इकट्ठा होता है जनाब, उसे महफिल कहते हैं। महफिल तो सजी चुकी है, लेकिन इस महफिल में जो शम्मा जलता है ना, वो शम्मा आप लोग हैं। शम्मा जलाना अभी बाकी। और मैंने कहा था शुरुआत से पहले होगी अंताक्षरी। वैसे तो है तो मेहंदी तो चलती रहेगी, लेकिन जो अंताक्षरी होने वाली है, अब आप लोग अपना अपना पक्ष बदल लें। लड़के वाले किस तरफ बैठेंगे, लड़की वाले किस तरफ बैठेंगे, और ये होगा मुकाबला बॉय वर्सेस द गर्ल, दैट इज द ब्राइड वर्सेस द ग्रूम। राजवी, आप दोनों इनमें से जजेस होंगे। नो पार्शियलिटी, रैपिड फायर अंताक्षरी होगी। देखते हैं लड़के वाले भारी पड़ेंगे या लड़की वाले। तो आप देख लो, लड़की वाले बैठे किधर है, दिखाई नहीं दे रहे? सारे के सारे लड़के वाले हैं। ओए ये लड़के वाले कहाँ है? मैं थोड़ा पास आ जाऊँ लड़के वालों के। लड़के वाले मुझे दिखाई नहीं दे रहे, कुछ तो गड़बड़ है। रजनी आप देख लो, आप ही के पूरा का पूरा पलटन आप ही का है। लड़के वाले यहाँ पे नहीं है क्या? रवि के घर वाले कितने हैं? ओए होए, ये जो सज धज के आई है ये है कौन? आप आइए ना इधर, आइए इधर, लाइम लाइट में आप पर है। कैमरा मैन जरा फोकस कीजिएगा, इतनी प्यारी प्यारी हरी मिर्च लग रही है पूरा। आप बताइए आप क्या लगती हैं? भाभी। आय हाय, भाभी का पद ही अलग होता है, इसीलिए एकदम पूरा लाल मिर्च हरी मिर्च सब कुछ बन के आई है। अच्छा भाभी ये बताओ, वैसे तो दिख रहा है आपके चेहरे से छलक रहा है वो एक्साइटमेंट, लेकिन इन दोनों को अगर आप कुछ कहना चाहेंगी अपने शब्दों में तो क्या कहना चाहेंगी? जैसे रहो, खुश रहो, नाचते रहो, हमें भी नचाते रहो। भाभी के इशारों पे नाचते रहो। भाभी एक गाना है बहुत ही फेमस है, आप लोग भी गाइएगा साथ में। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे। आपके झुमके को देख के मुझे गाना याद आया। भाभी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। कुछ तो याद आया। आपको तो हम भूल ही नहीं सकते, आपको तो हम भूल ही नहीं सकते। मैं भूलने नहीं देती। एक काम करो भाभी, आप हमारे बगल में ऐसे खड़े रहो, हमारा काम भी कम हो जाएगा। मजा आया भाभी आपसे मिल के, करके बैठ जाएं। चलो एक काम करते हैं, लेट मी हैव अ क्विक एनर्जाइजर। ऐसे आप लोग इतने बैठे हैं ना, मजा नहीं आ रहा। तो देखते हैं यहाँ पे लड़के वाले और लड़की वाले कितने एक्साइटेड हैं। जब मैं बोलूं लड़के वालों मेक सम नॉइज, देखते हैं कितना ज्यादा आवाज हमारे लड़के वालों की तरफ से आता है। इट्स गोना बी द सेम लड़की वालों की तरफ से। अच्छा भाई आप बताओ आप किसके तरफ से हो? तू सोचते रहे, मैं वापिस आती हूँ। चलो लड़के वालों, कितने लोग यहाँ पे लड़के वाले किस तरफ बैठे हैं? लड़के वाला मेक सम नॉइज। पाला भारी पड़ने वाला है लड़की वाले। ये
तो बराबर हुआ। अब मैं इसमें किसको बोलूं कि किसका पाला किस पे भारी पड़ेगा, पता चलेगा थोड़ी देर में। आप लोगों को कोई पनिशमेंट नहीं, आप बैठ सकते हो। इतना प्यारा अरेंजमेंट हमारे ऑर्गेनाइजर्स ने किया आप ही लोगों के लिए, बैठ जाइए बैठ जाइए। चलिए वी कैन हैव अ क्विक राउंड, जब तक आप दोनों वहीं पे विराजमान रहिए कोई बात नहीं, और वहां से देखिएगा। मैंने शुरुआत में बोला था कि वो ट्विस्ट क्या है, कुछ परफॉर्मेंसेस होने वाले हैं और अंताक्षरी भी साइमल्टेनियसली होगी, लेकिन उससे पहले कि हम परफॉर्मेंसेस बीच में लाएं, मैं चाहती हूँ कि हमारी जो प्यारी सी जोड़ी है उनकी मम्मी पापा कहाँ है। मम्मी जी पापा जी आप हमारे बीच में है, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है। रजनी के मम्मी पापा कहाँ है? डैडी जी कितने हो तुसी? ओए ओए डैडी जी पैरी पड़ा। और मम्मी कहाँ है? मम्मी गायब हो गई है। ये कैस बोलते हैं इतने साल शादी हो गए कि मम्मी कहते जाओ अब तुम आजाद हो, जी लो अपनी जिंदगी, इसीलिए इतनी दूर बिठाई है। आइए ना मम्मी, आप तो पास में जोड़ी, तो कितने साल हो गए मम्मी पापा की शादी को? 36। कंग्रेचुलेशंस। ये दूरियां क्यों? ये दूरियां के लिए दूरियां नहीं, नहीं ये दूरियां तो वैसे भी ये नजदीकी है ना, सबको नजदीक लेके आएगी। तो मम्मी जी आप इतने प्यारे लग रहे हो, हमें ये बताइए क्या कहना चाहोगे प्यारी सी जोड़ी के लिए? ये दोनों बहुत खुश है, यही हमारे लिए सबसे ज्यादा खुशी है। आय हाय मम्मी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। मम्मी ने एकदम सोच समझ के आई है कि मैंने एक ही लाइन में डिस्क्लेमर दे देना है, कुछ भी पूछो बहुत अच्छी है। मम्मी को समझा के लेके आए थे घर से? यार दैट वाज स्वीट ऑफ यू। पापा जी आप क्या कहना चाहेंगे मम्मी जी के लिए, जोड़ी के लिए तो सब लोग कह रहे हैं, मम्मी जी के लिए क्या कहें? कितनी मस्त लग रही है एकदम तोते की तरह, कुछ तो कह दीजिए दो लाइन में इसको, एक बार जोरदार आपके तरफ से आना चाहिए। तोते को मिर्ची पसंद है। ओए होए पापा तो वैसे शर्मा गए, वैसे तुम देखते हैं कि मम्मी शर्माती हैं तो पापा शर्मा के एकदम लाल टमाटर की तरह हो गए। वाह भाई वाह, घर में दामाद है बहू है और शर्मा मम्मी पापा नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड, सिंपल कमिंग बैक, वेरी सिंपल है आप लोगों का। मैंने कहा था आप गूगल कर सकते हो, आप यूट्यूब चला सकते हो, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें होंगे पूरे के पूरे 6 राउंड्स, लड़के वाले वर्सेस लड़की वाले, और आपको सोचने के लिए बस 5 सेकेंड का वक्त मिलेगा। जैसे ही मैंने कैरो के प्ले करना शुरू करूंगी, आप में से कोई भी एक हाथ ऊपर करके और फटाक से वो गाना जोर से गाएगा। और आपको सिर्फ गाना नहीं है, गाने के साथ आपको उसके दो सेंटेंस गाना है पूरा का पूरा। ऐसे नहीं एक ही वर्ड बोल के फिर बोलना कि इसके बाद तो हमें आता नहीं है। मैंने जितने भी कैरो के प्ले करूंगी उसमें से आपको 2 लाइन गाने के गाते हुए नाचना भी है। जो परिवार जिसके तरफ वाले बहुत ज्यादा एनर्जेटिक सुपर डांस करेंगे गाने के साथ, उनको मिलेगा मेरे तरफ से एडिशनल बोनस पॉइंट। और जो भी जीतेगा चाहे वो लड़के वाले हो लड़की वाले हो, राजवी के जो मम्मी पापा हैं उन्होंने मुझे वादा किया था जीतने वाली टीम को मिलेगी iPhone 15। उसकी जिम्मेदारी आपको मम्मी पापा को पकड़ने पर मैंने बस अनाउंस करना है, मेरा काम बस अनाउंस करना है। अब उनको कैसे पकड़ना है कैसे निकलवाना वो आपके हवाले है। और जितने लोग ये सोच रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा इंट्रो मैं खुद देती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आयंका सपना, और इस शाम इस महफिल की आप सबसे मुलाकात में बड़ा मजा आ रहा है। अभी तो शुरू हुआ है, कितना बोले जा रही हूँ ना। चलिए हाय हाय वो बोल रही है, हाँ कितना बोले जा रही है। ओके आप सब तैयार है? रेडी? ये मजा नहीं आ रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन आर यू रेडी? आर यू रेडी? देन लेट्स हैव द फर्स्ट ट्रैक प्लीज। Your time is started. Guess the song. Guess the song. Guess the song. Yes. Stop. 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 Let's hear it from you. जल्दी प्यार नहीं हुआ? अभी तो प्यार नहीं हुआ। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे अले अले ओ अले अले ओ अले अले ओ। दैट वाज अ नाइस वन। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। आप अपना नाम बताइए और आप ये भी बताइएगा कि आप किन के तरफ से हैं। मेरा नाम उषा वैष्णव है और मैं रवि भैया की तरफ से हूँ।
रवि भैया की तरफ से। तो लड़के वालों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। लड़के वालों का खाता तो खुल चुका है, देखते हैं खत्म अंत तक किसका अकाउंट सबसे ज्यादा होने वाला है। विद दैट रवि आपका अकाउंट खुल चुका है, यू गेट 10 points एंड लड़की वाले यू गेट क्या कहते हैं इसको, बाबा जी का थुल्लू। लेट्स हैव द नेक्स्ट ट्रैक प्लीज। अब देखते हैं नंबर्स कितने बढ़ते। मैंने कहा था एनर्जी आनी चाहिए, डांस नंबर भी होना चाहिए। देख लो जी सेकेंड ट्रैक। गेस दिस सॉन्ग क्विकली, जल्दी, कोई नहीं मम्मी भाभी गाना जल्दी गेस कीजिएगा। ओके वी हैव समवन जी, बताइए आपको पूरा गाना गाना होगा। ठीक है चलिए। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता हो सवम बैठ। ये बताइए चांद का टुकड़ा तो यहाँ बैठी है, लेकिन ये गाना कौन सी खिड़की वाली के लिए था? ये कौन सी है जो घर के सामने रहती है? चांद का टुकड़ा इधर तो आइए, वो इधर से बैठ के इशारे देख रहे से घूर रही है कि किनके लिए गाना गा रहे हैं। हमारे लिए तो कभी नहीं गाया, पता नहीं वो कौन है किसके लिए गा रही है। एक ही है, एक ही है। चल इतना प्यारा गाना गाना गाया है, आप भी कुछ बोल ही दीजिए उनके लिए। याद नहीं आ रहा इन दोनों के लिए, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। लेकिन 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 इससे पहले कि आप जाएं, आपका नाम और आप किसके तरफ से, आपको बोलना पड़ेगा। कुशल वैष्णव, लड़की वाले की तरफ से। चलिए अब दोनों का पाला इज इक्वल, नो टू लूज नो मोर। 10 all दोनों को मिलता है 10 all। लेकिन हमारे पास 4 और ट्रैक्स हैं और देखते हैं इसमें बड़ी एंड ऑफ द कैरियोके सेशन में कौन सी टीम बाजी मार ले जाती है। विद दैट लेट्स हैव द नेक्स्ट ट्रैक प्लीज। देयर कम्स योर 3rd track लेडीज एंड जेंटलमैन। गेस द सॉन्ग और मैं आई वुड लव टू सी यू ऑल डांसिंग फॉर दैट। जो भी जितने भी लोग आप में से डांस करेंगे इस ट्रैक पे उनको मिलेगा एडिशनल 20 points मेरे तरफ से। लेट्स गो, लेट्स गो। जोर से, जोर से, जोर से। डोली सजा के रखना, आएंगे तेरे सजना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। वो गाना ही बजा दो एक बार भाभी, आप खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। वो गाना ही बजा दो, पूरा गाना बजा दो भाभी ना, पूरा खड़के ऐसे ऐसे कर रही है भाभी। एक दो स्टेप आपके तरफ से, चलिए चलिए आप दोनों के तरफ से। यार बड़ा आप लोगों ने पूरा एंटरटेनमेंट काम किया है। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे गोरी, आएंगे तेरे सजना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, ओ हो, ओ हो। अगर मैं भाभी को नचाऊं ना तो पूरी रात नाचेगी। ये क्या खा के आई है पहले ये तो बताइए, इतनी एनर्जी कहाँ से, थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिले। क्या खा के आई है? हंसते भी रहिए या कुछ कहिएगा भी? आपके लिए आई खुशी है। इतने हमने देखा है प्यार अंधा होता है, लोग पागल हो जाते। यहाँ भाभी वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं आप लोग करेक्ट कीजिएगा, शादी किसी और, भाभी इतनी खुश है। वाह भाई वाह, यू गाइस आर वेरी लकी टू हैव अ भाभी लाइक हर। सुपर एनर्जी भाभी है। राजवी कुछ सीखो भाभी से। थैंक यू। विदर यू गेट 10 points इनक्यू मिलता है मेरे तरफ से 20 points एडिशनल, तो उसकी तरफ से होता है 10 + 30 यू गाइस गेट 40 points। भाई अब आप देख लो 10 versus 40 क्या करना है। क्या हुआ, कैसा लग रहा है हार के? बहना कुछ कहिएगा, यू जस्ट हैविंग लॉट्स ऑफ फन। हार के मजा आ रहा है, हारने में मजा आ रहा है ना? हम हारे कहाँ पर है, रवि जी को तो हम ले जा रहे हैं। ये तो है ना मेरे मुंह पे एकदम जिप, आई एम जिप। रवि जी को हम लेके जा रहे, क्यों हम अपनी लड़की नहीं लेके जा रहे? मैं हारी नहीं हूँ, मैं वहां से भी हूँ, मैं यहाँ से भी हूँ। ये ना होता दल बदलू,
जहाँ पे पाला भारी वहां पे अपने ओर, लेट्स हैव द नेक्स्ट ट्रैक। ये रहा करना है, इस गाने में मैं चाहती हूँ कितने जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सारे के सारे खड़े हो जाए। कम ऑन एवरीबॉडी स्टैंड अप, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए सर, आप भी खड़े हो सकते हैं। कम ऑन बॉय, स्टैंड अप स्टैंड अप स्टैंड अप। और मैं चाहती हूँ कि आप सब उसका जो हुक स्टेप हो ना वो स्टेप करें। मम्मी जी खड़े हो जाइए ना, आप कीजिएगा, हमने आपको देखा था आप क्या नाच रही थी ढोल पे, आप जो स्टेप कीजिएगा वही हुक स्टेप होगा। चलिए साली साहिबा शुरू हो जाइए, मम्मी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लेट्स हैव द सेम स्टेप सेम सॉन्ग सेम ट्रैक, आप लोग इनको सिखाएंगे कि कौन सा स्टेप करना है। कम ऑन बॉयज, मैंने आपके एफर्ट्स को ना जाने नहीं देना है। सो यू गेट एडिशनल 10 प्लस 20 दैट इज 30 पॉइंट्स, विद दैट इट्स 40 ऑल, 40 ऑल और दो और ट्रैक रह गए। यू गाइस गॉट 40 ऑल, लड़के की तरफ से और लड़की की तरफ से दोनों बराबर हुआ, पाला भारी हो रहा है। कौन जीतेगा ये बाजी, लड़के वाले या लड़की वाले? इतना शर्मा के बोलो लड़के वाले, कोई शक है बोलने में? जोर से बोलिए, लड़के वाले जीतेंगे। चलो ये कर रहे, जीतेंगे भाई जीतेंगे, कुछ सीख लो, जीतेंगे भाई जीतेंगे। तो इसी बात पे हो अगला ट्रैक और देखते हैं जीतेगा कौन। लेट्स हैव द नेक्स्ट ट्रैक प्लीज। ये गाना नहीं पहचाना तो क्या पहचाना, ये गाने को आपको नाचते हुए गाना है। मैं डालू ताल पे भंगड़ा, तू भी गिद्दा पाले। दो लाइन आपने गा दिया, लेकिन इस गाने का पूरा डांस आपको करना होगा। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, लेट्स हैव द सेम ट्रैक सेम ट्रैक वंस अगेन, लेट्स डू दिस, कम ऑन बॉयज जॉइन इन जॉइन इन, आ जाओ हो जाओ आप भी, आ गए ऐसे नहीं कि सिर्फ कुड़ियां डांस कर रही है, हमारे हुंडे भी है। कम ऑन बॉयज, मैं डालू ताल पे भंगड़ा, तू भी गिद्दा पाले, चल रंग जमा दे हमके बने सभी मत वाले। आप लोगों को भी पनिशमेंट दे रखी है कि हमने आगे नहीं आना है, हमने बस पीछे से सपोर्ट देना, हमारी लड़कियां ही करेंगी सब कुछ, ऐसा कुछ है कि आपकी जितने भी मोहतरमा यहाँ बैठी हैं वो बोले कि भाई कोई भी नाचेगा नहीं बस सुनेगा बैठे हाथ बन के, ऐसे कुछ है? सब नाचेगा, सबको नचाएंगे, सबको नचाएंगे, कहते नाच बसंती नाच, ये कहिएगा नाच बसंती नाच। एक काम करते हैं राजवी, आप दोनों नीचे उतरिए, बहुत देर से वहां पे बैठी हैं, चलो आप दोनों उतरिए, हम चाहते हैं कि एक हो जाए आप दोनों के तरफ से। इन दोनों के लिए जोरदार तालियां, जो तब से इतने आराम से बैठे हैं, वो कहते हैं ना अपने आपको मुगले हाजिम और हमको
अनारकली समझ के बैठा है, कितना ना चाहेगा वे, चलिए उतरिए दोनों के दोनों ऑफ दिस स्टेज नाउ। और मैं चाहती कि आपने बोला था ना सबको नचाएंगे, शुरुआत भी आप ही से करेंगे। चलिए आ जाइए, खड़े हो जाइए मेरे हरी मिर्च, जितने लो लड़कियां खड़ी है ना, पूरा ग्रीन ग्रीन, इतना मजा आ रहा आप लोगों को देख के। चलिए 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 कम ऑन आप सब लोग यहाँ पे, जितने लोग बैठ के पान चबा रहे हो, चलो उठो उठो उठो, गेट अप बॉयज, चलिए 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 खड़े हो जाइए। अच्छा इसमें देखते हैं कि राजीव की तरफ, रवि की तरफ से कितने लोग आएंगे और रजनी की तरफ से कितने लोग आएंगे। 10 सेकेंड है आपके पास, कौन किसको सपोर्ट करेगा और आपका वक्त शुरू होता है अब, जल्दी से। यू गाइस गॉट 10 सेकेंड्स, 10, 9, 8, 7, 6, जल्दी जल्दी करो, 5, 4, 3, 2, कौन किसको सबसे ज्यादा सपोर्ट करेगा वो यहाँ स्टेज पे, सेंटर ऑफ द स्टेज, एंड 1। कोई और रह गया सपोर्ट करने के लिए? रजनी की तरफ से इतने लोग हैं, रवि की तरफ से इतने लोग हैं, वाह भाई वाह। ये देखो लोग सेंटर ऑफ द स्टेज आ गए और राजवी को बेचारे को पीछे में ठेल दिया। आप लोगों का बीच में आना बनता है, आइए आइए बीच में आइए, आई वॉन्ट यू बोर इन द सेंटर, कम ऑन आइए आइए। अच्छा ये हो गए हमारे लड़के वाले और ये हो गए हमारे लड़की वाले। बहुत ही सिंपल है, मैंने 2 गाने बजाना है और आप लोगों को भी अपने परिवार के साथ नाचना है। जो टीम जो गाना हम बजाएंगे, कोई और रह गया आने के लिए? कोई और रहेगा इस तरफ? आइए 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 मोहतरमा, आप कहाँ पीछे रह गई? आपका आना तो बनता है, ये तो चलता रहेगा पूरी शाम। वेरी सिंपल, वी गोना हैव 2 ट्रैक्स, हम 2 ट्रैक्स बजाएंगे आप लोगों के लिए। देखते हैं कौन सी पलटन सबसे पहले उस गाने पे नाचेगा, पूरा का पूरा जितने भी लोग खड़े ना, कोई खड़े नहीं होगा, नाचना होगा उस गाने पे। कोई और रह गया? जो टीम की जितनी मतलब जिसकी तरह से ज्यादा मेजॉरिटी पार्टिसिपेशन मुझे दिखेगी, दैट टीम विल बी डिक्लेयर्ड एज अ विनर राइट नाउ। क्लियर? आपको भी अपने परिवार को सपोर्ट करना है, आप दोनों को अपने परिवार को सपोर्ट करना है। नहीं नहीं, कितने पतली गली से निकल लेते हैं कि हम जज रहेंगे, जज का मौका खत्म हो चुका, खत्म। मैंने 2 गाने बजाने हैं साइमल्टेनियसली, जिस परिवार से सबसे ज्यादा मुझे पार्टिसिपेशन दिखेगा वो टीम विल बी डिक्लेयर्ड एज अ विनर। आर यू रेडी फॉर इट? हो जाए ऑडियंस, आर यू रेडी? ठंड लग रही है, कम ऑन ऑडियंस, आर यू रेडी? ये हुई ना बात, विद दैट एनर्जी लेट्स हैव द फर्स्ट ट्रैक एंड देयर वी गो। भाई साहब ये तो बहुत टक्कर देने वाली है टीम है, लेकिन मैंने कहा था आप दोनों को भी नाचना होगा, आप ऐसे हाथ बांध के नहीं खड़े हो सकते, आप लोगों का काम है कि आप इन दोनों को नचाएं। राजवी आप दोनों को भी नाचना होगा, सब लोग आप लोगों का फर्ज बनता कि आप उनको नचाएं इस ट्रैक पे। लेडीज एंड जेंटलमैन विद दैट एनर्जी Let's have the second track. There we go. आप दोनों को भी नाचना होगा. Let's go. Come on, track me. सारे के सारे. Everybody.
आप ही बता दो कि इसमें से जो जीता कौन? बिल्कुल, क्योंकि मैं तो नहीं जज कर सकती। दिस वाज सुपर अमेजिंग। आप दोनों के लिए, आप सब की तरफ से, इन जितने भी लोग यहाँ पे खड़े मंच पे, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। Come on, ladies and gentlemen, what an energy this was. You guys are amazing. जो एनर्जी मुझे देखने मिला ना, मैं सोच रही कल संगीत में क्या होगा अगर मेहंदी में ये हाल है। आग लगेगी पूरा, आग तो ऑलरेडी लग चुकी है, लेकिन मैंने कहा था डबल फायर होगा। वो कहते ना, ये शम्मा जरेगी जब तक शादी खत्म होके लड़की विदा होके घर नहीं चले जाएगी, और उसके बाद भी जितने भी घर में रिचुअल्स हैं, मजा आ गया यार आप लोगों को नचा के ना। ये बनता है और क्या करना है, वेरी सिंपल, वापस जाके आपने अपने जगह में बैठना है, भागिए। थैंक यू सो वेरी मच, आप लोगों को नाचते हुए देखना, मेरा मैं भी नाचू, मजा आ गया। थैंक यू सो मच। वेल, मैं तो जज नहीं कर सकती, मैं आप लोगों को भी कहूंगी कि प्लीज बढ़ जाए, वरना राजवी कहेंगे कितना हमें खड़ाएगी। इट वाज सुपर गुड। अब थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए आप सब लोग, थोड़ा सा चाय पानी नाश्ता ले लीजिए, क्योंकि होने वाला है और एक सरप्राइज आप सब के लिए, एक प्यारा सा परफॉर्मेंस है आप सभी के लिए। वाह जी, ऐसे भी गाने होते हैं। इसको पूरा कौन करेगा? मुझे नहीं यार। मॉम आप इतना हंस रही हैं, एक गाना आपके तरफ से हो जाए। कितने भी पॉप देते गए, हम यहाँ पे कोई भी प्रोफेशनल सिंगर्स नहीं है, हम सब बाथरूम सिंगर्स हैं। तो एक गाना किसकी तरफ से होगा? कृपी दीदी गाती है ना, चलिए एक गाना आपके तरफ से, रिलेशन कोई भी चीज शादी के रिलेटेड। बच्चे बोलेगा था ना, बच्चे मन के सच्चे और वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। शी सेइंग कि आप गाते हो, एक काम करते हैं, हाँ तेलुगु तमिल कोई भी लैंग्वेज चलेगा, ऐसे जरूरी नहीं है कि वो हिंदी में ही करना है। नो लैंग्वेज बैरियर्स, आप किसी भी लैंग्वेज, पूरा का पूरा ब्लेम पति देव पे डाल दे कि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छा गाते हैं। पति देव जी इधर आइए, जी आइए, इंगे वांगो सर, ठीक है देखते हैं। पति देव को तमिल आती है? तो मैम ने कहा तमिल में गा दीजिए, शीज तमिलियन। इन्ने मैम इपड़ी पन रही है सर, मोहतरमा ने कहा है मेरी कमी हमारे पतिदेव पूरा करेंगे, एक सेलिब्रेशन का गाना शादी रिलेटेड आपके तरफ से। सोचने का मौका नहीं दिया जाएगा आप लोगों को, मैं जिसके पास भी चल के आऊंगी रैंडमली आपको फटाफट तैयार रहना है, इसीलिए मैंने कहा आप किसी भी सोर्सेस की मदद ले सकते हैं। मेहंदी लगा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, ले ले तुझे ओ गोरी, आएंगे तेरे सजना। शादी हो चुकी है, कोई कोई मैं उसी लाइन पे आ रही हूँ, गाने इनके लिए और इशारे उस तरफ। वाह जी वाह, एक तीर दो निशाना, वाह गजब करते हो सर आप, शुक्रिया। इशारे इनकी तरफ से मैम, पलका डालेगी ना रोटी तो ये डालेगी क्योंकि वापस घर ही जाना है, दूसरों पर लाइन थोड़ी मारेगी। देखिए आज पूरा मौका है, मैंने तो पूरी छूट दे रखी है, बाद में जो होगा उस पे आई एम नोवेयर इंटरेस्टेड, घर वही घर जाना है, रोटी खानी है, तो देख लो लाइन मारनी है लाइन चेंज करनी है, उसी ट्रैक पर रहना, आप ट्रैक चेंज भी कर सकते हो। तो कितनी प्यारी प्यारी लड़कियां बैठी हैं। चलो आप सब जब इतने यहाँ बैठे हो ना, एक छोटा सा क्विक थिंग भी डू,
आप सबने ये देखा होगा, सोशल मीडिया पे देखा होगा, सुना होगा, जहां पे आप इंस्टाग्राम ओपन करो सब जगह यही फैला हुआ है. वी डू दिस टुगेदर, कम ऑन एवरीबॉडी. सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ, जस्ट लुकिंग लाइक अ, यू ऑल लुक लाइक अ वाव. पूरी की पूरी हरी मिर्च है यहाँ पे, पूरा डजन में मिलेगा यहाँ पे केजी के हिसाब से. आप सभी के लिए एक छोटा सा सरप्राइज है. बच्चे कहाँ गए? आ जाओ मेरी चिल्लर पार्टी, कम ऑन. बच्चे सबसे अच्छा ज्यादा, एनीथिंग टारगेट बच्चे, दे सुपर गुड. अरे वाह, आपकी मेहंदी तो बहुत प्यारी है, वेरी गुड. अच्छा आप बताइए आपका नाम क्या है? आराध्या. एंड व्हाट्स योर नेम? अंशिका. एंड व्हाट्स योर नेम? डक्स. मिस्टर जेंटलमैन कम हियर. डक्स, डक्स, डक्स के लिए जोरदार तालियां हो जाए. दक्षिणी, डक्स, वेरी गुड. अच्छा आराध्या, मैंने सुना आप डांस करने वाली है. Yeah. और ये सरप्राइज परफॉर्मेंस है, मैंने सबको बोल दिया. हाय रब्बा, अब क्या होगा परफॉर्मेंस का? फिर भी डांस करना है? Yes. नहीं नहीं, सरप्राइज तो हो गया, आप नहीं डांस करना है? हाँ करना है, अपनी आड़ी है, करना है तो करना है. तो आराध्या आ जाओ. और आप किसके साथ डांस कर रही है? ये सब मिलके डांस कर रहे हैं? आप सोचते रहो, मैं आपके पास आ रही हूँ. आराध्या और ये आपकी दीदी है. मेरे पेट पे लात ना मार, मुझे रोटी खानी है इसी से. ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये किसकी प्रॉपर्टी है जो मेरे मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रहा है? वेरी क्यूट वन. ओके आराध्या आ जाइए हमारे पास. ये दो छोटे से नन्हे मुन्ने जो पूरी की पूरी लाल मिर्ची बाजार लेके आई हैं. कैन वी हैव समवन फ्रॉम द हाउसकीपिंग टीम टू क्लियर द वाटर ऑन द स्टेज प्लीज? एनीवन फ्रॉम द हाउसकीपिंग टीम, वॉलंटियर्स? आपका नाम क्या है? कनिशा. और आपका नाम? हमारा आराध्या. आप दोनों बहने हैं? आप लोग घर में बहुत लड़ाई करते हैं? नहीं. झूठ मत बोलो. मम्मी ने बोल के भेजा है कि नहीं बोलना है? कभी कभी. कभी कभी, ओए होए. आप दोनों तैयार हो? कौन से गाने पे का डांस करने वाले हो? मेहंदी है. ओए हो, और ये डांस किसके लिए है? वो कौन है? चाची चाचू. चाची और चाचू. अच्छा ये बताओ आपका फेवरेट कौन है, चाची या चाचू? चाचू. झूठ मत बोलो. चाची. आए देखा, झूठ मत बोलो तो तुरंत चाची. कैन यू समवन टू क्लियर दिस प्लीज ऑन द स्टेज? हाउसकीपिंग से कोई है? ओके आप दोनों अपना पोजीशन ले लीजिए. और बच्चों के लिए जोरदार तालियां हो जाए, जहां पे आप कितने लोग जहां पे भी बिखरे हुए हैं, एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे बच्चों के लिए. आप मेरे साथ आ जाओ और आप चाचू और चाची के पास चले जाओ. चलो भागो. आप दोनों तैयार हो? रेडी? ऑडियंस बच्चों के लिए जोरदार तालियां हो जाए. एक बार इतने, इतना काफी नहीं होता बच्चों के लिए. डबल दी एनर्जी. कम ऑन ऑडियंस.
जितनी जोरदार तालियां हो जाए उतनी जोरदार तालियां हो जाए। अच्छा आराध्या टेल मी वन थिंग, और आराध्या की बहना जो यहाँ पे हैं, इधर इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, चाचा चाची इधर खड़ी हैं, खड़े हैं, बैठे हैं। ये फिर से आ गया, ये ना स्पेशल गेस्ट है जो विदाउट इनवाइट कभी भी आ सकता है, तो तैयार रहिएगा इसके लिए। स्पेशल ये बहुत स्पेशल है। आप बताओ चाचा और चाची को क्या कहना चाहोगे? आ जाओ मेरे साथ आ जाओ, आराध्या कम कम आगे आ जाओ। आप दोनों चाचा और चाची से क्या कहना चाहेंगे? You two are very beautiful. How sweet is that? और आराध्या आप क्या कहना चाहेंगी? हाय बस दाते दिखाते रह जाएंगी। चाचा चाची आई लव यू। एक बार इन छोटी छोटी बच्चों के लिए जोरदार तालियां, रियली स्वीट, थैंक यू। चलिए आप मम्मी पापा के पास वापस जाएंगे, लेकिन मैं आप लोगों के पास फिर से वापस आऊंगी। एंड नाउ कमिंग बैक टू द ऑडियंस विद द अंताक्षरी। मैंने ऑलरेडी एक राउंड यहाँ पे समाप्त हो चुका है, मैं दूसरे राउंड के लिए इस तरफ आ रही हूँ। तो उठ के लोग भाग रहे हैं जैसे मैं बोली मैं इस तरफ आ रही हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, मम्मी जी हमारा नजर आपसे हट ही नहीं रहा है, तो ये गाना आपके तरफ से, इधर थोड़ा फोकस कीजिएगा, हम साथ में गाते हैं, साथ में गाते हैं। मम्मी का साथ कौन कौन दीजिएगा? बुआ जी, अरे बुआ जी का पद ही अलग होता है। बुआ जी एक गाना आपके तरफ से हो जाए, कोई भी गाना हो जाए, आप उसको आप अपने भाषा में भी गा सकती हैं। ऐसा कोई नहीं कि आपको बॉलीवुड गाने ही गाने हैं, ऐसे कुछ भी नहीं है। मारवाड़ी गाना भी गा सकते, मारवाड़ी में कितने गाने हैं शादी को लेके। बुआ जी चलिए शुरू हो जाइए। तो बुआ जी कह रही आज नहीं गाऊंगी, आज नहीं गाएंगी तो कब गाएंगी? कुछ नहीं है, रोइए मत, मैंने कुछ नहीं करना है बुआ। जोक्स अपार्ट, वी कमिंग बैक टू दिस ग्रुप। यहाँ पे हमारी इतनी महतारमा बैठी है। अच्छा आप में से बताइए कि मैं खुद वॉलंटियर पूछूंगी, आप में से कौन अगला गाना गाना चाहेंगी? आप मारवाड़ी में भी गा सकती हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको बॉलीवुड ही गाना है, कोई डिस्क्लेमर नहीं है। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। Yeah.
एक बार जोरदार गाने बजा, अभी रुका नहीं है। रजनी के घर वाले थे, इतना प्यारा परफॉर्मेंस था। और जब रजनी के घर वाले, उनके बेसिकली सारे कजन्स थे, रवि के कजन्स कहाँ है? रवि आपके कजन्स कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे, फटाफट स्टेज पे आओ। प्रेजेंट मैम के बाद रवि के कजन्स यहाँ पे कितने लोग हैं? सगे कजन्स मतलब कुछ भी, कजन्स मतलब कजन्स, ऑल दी कजन्स राइट हियर। रवि's कजन यहाँ पे, जल्दी जल्दी आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। देखिए मौका भी है और मौके पे चौका तो बनता है। भाई साहब जिस सबसे पहले जो बंदे ने हाथ ऊपर करा, मैं हूँ रवि का कजन। सर आइए 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 फटाफट। देखिए बाकी सब कहाँ गए? पता नहीं, सो रहे हैं, जगा दो थोड़ा सा। Come on, I want Ravi's cousins right now. हमारे लड़की वाले के जो कजन, उन्होंने तो पूरा गर्दा मचा दिया। और अब बारी है हमारे रवि भाई साहब के कजन्स कहाँ है। सर प्लीज कम। लड़की लोग क्या, कहाँ पे, कहाँ गए आपके कजन्स? आपके भाई लोग भाग गए लोग के? कहाँ गए? कॉल हिम, कॉल हिम, कॉल हिम राइट नाउ। कोई और आने वाला है? कितने लोग हैं? रवि के कजन्स कहाँ पे हैं? कजन्स ब्रदर सिस्टर भाभी चाची कोई भी हो सकता है। कजिन मतलब वहां तो पीछे बड़े, खाना तैयार होने में भी देरी है भाई साहब। भाभी और चाचा चाची, चलिए चलिए गिरफ जल्दी से। देखिए बुफे शुरू होने में टाइम है, तब तक आप लोगों को वहां बैठने से कोई फायदा नहीं है, जल्दी नहीं शुरू होगा। चलिए चलिए आ जाइए। चलिए भाभी क्विकली फटाफट, देखिए आपके पास सिर्फ 10 सेकंड का वक्त है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तो मैं चाहती हूं रवि के सारे घर वाले स्टेज पे, ये पूरा हाउसफुल होना चाहिए। फटाफट चुपचाप बैठने के लिए आप यहाँ नहीं आई है। चलिए गिर अब, गिर अब, गिर अब, गिर अब, गिर अब क्विकली ऑन द स्टेज। कोई और रह गया रवि के घर वाले? रवि भैया आप एक बार आवाज लगाइए तो, जल्दी जल्दी आ जाओ। रवि भैया ने बुला ही लिया है। अरे काम करते हैं, मैं आपकी मदद कर देती हूँ, मैं खुद स्टेज पे आती हूँ। एंड देन आई वांट यू टू से इट लाउडर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ सब। कोई और रह गया? आप भी बुला दो, बोलो आ जाओ आ जाओ। चलिए अब ये तो चालू ही रहेगा, वेरी सिंपल। मैंने एक गाना बजाना है, लड़की वाले तो पूरा गर्दा मचा दिया, अब आपकी बारी है। तैयार हो आप लोग? भाभी कहाँ पीछे रह गई?
ए चम्मक चलो चलो आ जाओ स्टेज पे, आ जाओ आ जाओ जल्दी जल्दी। भाभी आप कैसे फ्रेम से बाहर हो सकती हैं, पूरा लाइव लाइट आज आप पे। एक गाना हो जाए रवि भैया के घर वालों के लिए, लेट्स हैव वन क्विक तड़कता भड़कता ट्रैक और देखते हैं ये एनर्जी पावर हाउस कितनी एनर्जेटिक है। हुकम भैया, भैया जी आप पीछे रह गए, गाना शुरू हो चुका है। हाय हाय होगी वन टू टू कुड़िए वन टू टू वो होगी मुंडे दी पतंगा मारगी तू एवे उड़ी दी वो होगी मुंडे दी कब जाने लाहौर आया मैं तेरे छोड़ आया एक मोड़ आया मैं तेरे छोड़ आया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए रवि भैया के कजन्स के लिए। वाह भाई वाह, मजा आ गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बच्चा पार्टी आप लोगों को स्टेज से नीचे उतरना या नहीं बता दो अभी से ही। सभी परफॉर्मेंस बनता है ना, ये आवाज डाइजेस्ट नहीं हो रही है मेरे को। ये सो नो, वी वांट राजवीज परफॉर्मेंस वंस अगेन। डू वी वांट राजवीज परफॉर्मेंस? अब इसके बाद तो उनको तो नाचना ही पड़ेगा हर हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए राजवी के लिए। अब बच्चों ने इतना मेहनत करके यस कहा है तो आप दोनों को परफॉर्म तो करना ही पड़ेगा। घर वालों तैयार हो इनका परफॉर्मेंस देखने के लिए? अरे भाई पीछे वाले सब कुर्सी लेके आगे आ गए। एक काम कीजिए यहाँ पे आ जाइए, ये एकदम फ्रेम बराबर बैठेगा वहाँ। ठीक है आप लोग, आप लोगों को उधर जाना है, आप लोग यहाँ पे ठीक है। चलो एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे राजवी के लिए। हैशटैग राजवी। लेडीज एंड जेंटलमेन, बॉयज एंड गर्ल्स, तालियां मुझे सुनाई नहीं दे रही है और जोरदार। प्रेजेंटिंग टू यू रजनी एंड रवि, हैशटैग राजवी। जो लोग जहां पे भी बैठे हैं ना, आपके हाथ में थाली है, खाना है, कुछ भी है, सब कुछ साइड में रख के एक बार तालियां हो जाओ, जोरदार सीटियां हो जाओ। क्यों अंधे अभी को? अब दोनों तैयार? ऑडियंस आर यू रेडी? दे मेक सम नॉइज ऑन माय काउंट ऑफ 3, 2, and 1.
ब्यूटीफुल मुझे ना वो हैशटैग राजवी बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं इसीलिए तब से सिर्फ राजवी बोली जा रही हूँ। आप में से जितने लोगों ने सीटी नहीं मारी एक बार सीटियां हो जाए इन दोनों के लिए। व्हाट अ ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस, थैंक यू सो मच। अच्छा ये बताइए कितने दिन लगे परफॉर्मेंस प्रिपेयर करने में? 3 दिन में कोरियोग्राफी सीख ली, बाद में इट वाज जस्ट प्रैक्टिस। दैट वाज रियली नाइस, ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। लेकिन मैं ये कहना चाहूँ संगीत के लिए तैयार है? उसके लिए टेंशन हो रही है। ये छोटी सी बस झलक थी, मतलब बम तो कल फूटने वाला है। एक्साइटेड फॉर इट? यस डेफिनेटली सर। आप? यस ऑफकोर्स। नाचिएगा भी और साथ में सबको नचाइएगा भी। थैंक यू सो मच एंड नाउ आई लीव यू गाइस अवे फ्रॉम द स्टेज। एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए इन दोनों के लिए। हम एक काम करते हैं, इससे पहले कि मैं ये बोलूं कि डिनर बोलने की जरूरत नहीं है, लोग ऑलरेडी चालू हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, वेरी सिंपल, मैंने 5 मिनट के लिए ना पूरा डांस फ्लोर ओपन करना है। 5 मिनट है आपके पास। जितने लोग अभी तक हाथ बांध के ऐसे बैठा कि हम बोले जा रहे हैं पार्लियामेंट में आए, हम बोले जा रहे हैं आप हमारे बिजनेस की तरह सुन रहे हैं, वैसे तालियों के लिए ना कोई GST नहीं लगती है। तो एक बार जोरदार हाथ ऊपर करके तालियां बजाइए सर। एक बार और हो जाए, तालियां हो जाए। अरे वो सर पर सीधा उठ के इधर ही लग रहा है, चले आके मुझे मारेंगे। चलिए बता रहे हैं जो 5 मिनट है आपके पास, मैं डांस फ्लोर ओपन करने जा रही हूँ। हमारे डीजे भी फुल तैयार हैं, लेकिन आप लोग तैयार हैं इसके लिए? देखिए यहाँ पे एक भी जगह बचना नहीं चाहिए, सिंगल स्पेस भी नहीं होनी चाहिए। 3, 2, 1 हिट द डांस फ्लोर नाउ, कम ऑन लेडीज एंड जेंटलमैन। इतनी मेहनत लगा के मैं बोल रही हूँ, थोड़ी तो कदर कर लो मेरी। चलिए चलिए जल्द से जल्द, कितने लोग अभी तक नाचा नहीं है हाथ ऊपर कीजिए। हाउ मेनी ऑफ यू हैवंट स्टेप्ड ऑन द डांस फ्लोर सो फार? आप लोगों में से चलिए चलिए ऑन दिस स्टेज। चलिए यहाँ पे जो लोग पीछे खड़े हैं,
घूमर चमके तेरे कानों वाली चमके है रे Oh,
Thank you.
Oh,
चटक मटक फटक साली दुश्मन की देखो जो बात लावली।